परवीन बॉबी, खूबसूरत ग्लैमरस हीरोइन। जब ज्यादातर हीरोइंस उस टाइम की साड़ी में नजर आती थी, तब परवीन बॉबी ने अपने वेस्टर्न आउटफिट्स पहनकर हिंदी फिल्मों की हीरोइंस को नया लुक दे दिया। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ के एक रईस मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता की शादी के 14 साल बाद इनका जन्म हुआ था। 1972 में मॉडलिंग शुरू करने के बाद जल्द ही इन्हें फिल्म मिली जिसका नाम था चरित्र। इस फिल्म में इनके हीरो थे क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। फिल्म तो नहीं चली पर परवीन बॉबी को नोटिस किया गया और उसके बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। उनके करियर की फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म थी 1974 की मजबूर। हीरो थे अमिताभ बच्चन। इसके बाद परवीन बॉबी और अमिताभ की जोड़ी ने कुल मिलाकर 11 फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन सुहाग, नमक हलाल और काला पत्थर में वो अमिताभ बच्चन की जगह शशि कपूर के अपोजिट थी। अमिताभ के साथ इनकी जोड़ी मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, दो और दो पांच, शान, कालिया, महान और खुद्दार में नजर आई थी, और ये सारी फिल्में या तो हिट थीं या सुपरहिट। परवीन बॉबी ने जिंदगी को खुलकर जिया। बम्बईया भाषा में कहते हैं एकदम बिंदास। मीडिया में उनके रिश्ते कभी कबीर बेदी के साथ जुड़े तो कभी महेश भट्ट के साथ तो कभी डैनी से जुड़े होने की खबरें आती रहीं। पर 80 के दशक के बीच में, मिड 80s में, परवीन बॉबी अचानक बिना किसी को बताए भारत छोड़कर फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति की शरण में अमेरिका चली गई। इत्तफाक से ये वो टाइम था जब वो अपने करियर की पीक पर थी। जब 9 साल बाद 1989 में वो इंडिया लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने वेट भी पुट ऑन कर लिया था और मेंटल बैलेंस भी थोड़ा सा हिल गया था। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि ये वही परवीन बॉबी हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से उनका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि हर चीज, हर इंसान से उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया था, खत्म हो गया था। हालात इतने खराब हो गए थे, उनका मेंटल बैलेंस इस तरह से हिल चुका था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया, बिल क्लिंटन पर लगाया, प्रिंस चार्ल्स पर लगाया। इंडिविजुअल्स पर ही नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, KGB, USSR की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी हुआ करती थी, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, और BJP पर भी ये इल्जाम लगाया कि ये सारे लोग मिलकर मुझे मारना चाहते हैं, मेरा मर्डर करना चाहते हैं। सारी दुनिया से, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों से भी किनारा कर लिया और ईसाई धर्म कबूल कर लिया। जुहू के अपने फ्लैट में वो अकेली ही रहती थी और फिर अचानक 22 जनवरी 2005 को उनकी सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को खबर दी कि 3 दिनों से फ्लैट के बाहर से दूध और अखबार उठा नहीं है, वहीं पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए परवीन बॉबी के फ्लैट को खोल कर देखा तो वहां परवीन बॉबी की डेड बॉडी मिली और इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल जांच के बाद पता चला कि वो कम से कम 72 घंटे पहले मर चुकी थी। उनके पैर में गैंग्रीन भी हो गया था और बेड के पास एक व्हीलचेयर रखी हुई थी। ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उनके पेट में कुछ नहीं था, शायद वो कुछ दिनों से खाना पीना छोड़ चुकी थी और भूख की वजह से उनकी मौत हो गई। परवीन बॉबी अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी थी कि वो ईसाई बन चुकी हैं, इसलिए चाहती हैं कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो, पर उनके रिश्तेदारों ने मुस्लिम होने के नाते उनका मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और उन्हें सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया।
एक अच्छी खासी एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर जाती है और वापस आती है, सब कुछ गवा देती है। वजह क्या थी ऐसा करने की, ये राज उनके साथ चला गया। लेकिन एक स्टार की इस दर्दनाक मौत ने एक बार फिर ये सवाल पैदा कर दिया कि इस चमक दमक की दुनिया में जीने वालों के अंदर कितनी घोर निराशा भी भर सकती है। परवीन बॉबी का यूं अचानक चले जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी थी। उनको याद करते हुए, दुआ करते हुए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जैसा उनके साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।